हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 इन सितंबर 2019। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, सितंबर में काफी सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो बहुत लोगों को ये डाउट है कि कौन से स्मार्टफोन लेने चाहिए। दोस्तों, मैं पांच स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है। उल्टा चलेंगे हम लोग, पहले फिफ्थ नंबर का फोन, देन फोर्थ, देन थर्ड, देन टू, देन वन। फर्स्ट नंबर पर जो फोन आता है वो बहुत ही ज्यादा कूल फीचर के साथ काफी कम प्राइस में आता है, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आप ये समझ पाओ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। दोस्तों, मैं हर महीने इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूं कि कौन से स्मार्टफोन बेस्ट हैं, कौन से स्मार्टफोन नए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, मैं जो भी पांच स्मार्टफोन इस वीडियो में बताऊंगा सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फिफ्थ के स्मार्टफोन से। फिफ्थ नंबर पर दोस्तों आता है रेडमी का नोट 7 प्रो। दोस्तों, नोट 7 प्रो काफी ज्यादा सक्सेस रहा है और यहां पर आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलेगा, 6GB की रैम, 4GB की स्टोरेज। पहले इस प्राइस में 4GB रैम मिलती थी, लेकिन अभी आपको 15,000 में इस फोन में 6GB की रैम मिलेगी प्लस 64GB की स्टोरेज। बैक में आपको मिलता है 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल सेटअप। फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, यहां पर आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी। क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करता है। 15,000 रुपए इसका रेट है। दोस्तों, ये भी स्मार्टफोन आप ले सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 स्मार्टफोन की। ये आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का M30। दोस्तों, यहां पर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहां पर दोस्तों जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि यहां पर यूज किया है सैमसंग ने सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो जो ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्स्टेंट कलर है, वो काफी ज्यादा शार्प रहते हैं। आप सनलाइट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, वीडियो देखते वक्त आप काफी ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन यहां पर जो एक्सिनोस का प्रोसेसर है 7904 सैमसंग की तरफ से मिलता है। 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज मिलती है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए और 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूट के लिए आपको मिलेगा। डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट मिलता है, 5000mAh की बैटरी मिलेगी। 15W का दोस्तों यहां पर ये सपोर्ट करता है, चार्ज काफी स्पीड से होगा। 15,500 रुपए में ये फोन आता है। टाइप सी है, फास्ट चार्जर है। तो अगर आप सैमसंग के फैंस हो तो ये आप ले सकते हो, लेकिन गेमिंग के लिए ये फोन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। हां, आप दूसरे काम अगर आराम से कर पाओगे, सब चीजें अच्छी है, लेकिन गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर है थोड़ा सा वीक है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 स्मार्टफोन की, जो कि आता है दोस्तों MI की तरफ से, MI का अपकमिंग स्मार्टफोन Mi A3। यहां पर आपको 6.01 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये भी यहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी वीडियो की। स्नैपड्रैगन 665 के साथ आता है, 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज। बैक में आपको मिलता है 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहां पर दोस्तों फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल मिलेगा, तो सेल्फी लवर्स के लिए ये फोन अच्छा है। और यहां पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, 4030mAh की बैटरी है, 18W फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 13,000 रुपीज है। अच्छी बात तो ये है कि यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जैसा फंक्शन मिलता है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है और दोस्तों ये स्टॉक रोम के साथ आता है, ना कि कस्टम रोम के साथ, तो मोबाइल को चलाने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। तो 13,000 रुपए में अगर आपको फोन लेना है तो Mi A3 से अच्छा अभी कोई भी नहीं है, ये फोन भी आप ले सकते हो। चलिए बात करते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की, जो कि आता है रियलमी की तरफ से। रियलमी का अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी 5 प्रो, 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहां पर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलता है और यहां पर आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज। बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 4 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। फ्रंट में दोस्तों आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा। डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 4035mAh की पावरफुल बैटरी भी मिलेगी वो चार्जिंग को, क्योंकि ये ओप्पो रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड है। तो यहां पर आपको मिलता है वो 3.0 का सपोर्ट फास्ट चार्जिंग के लिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, इसको भी आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस है सिर्फ 14,000 रुपए 13,999, ये भी आप ले सकते हो। चलिए आते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन पे। ये आता है दोस्तों वीवो की तरफ से, वीवो Z1 प्रो। यहां पर दोस्तों आपको मिलती है 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7
12, मतलब इस प्रोसेसर में आप पबजी वगैरह हाई सेटिंग्स में खेल सकते हो, रियलमी 5 प्रो में भी और इस वीवो के Z1 प्रो में भी। दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलेगा, 4GB की रैम मिलेगी, 64GB की स्टोरेज मिलेगी। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप 16MP प्लस 8MP प्लस 2MP देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा मिलता है और ये इन डिस्प्ले कैमरा है, पंच होल कैमरा है। तो दोस्तों ये आपके फोन के लुक को और भी ज्यादा बढ़ाता है, मतलब नॉच वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, पंच होल डिस्प्ले कैमरा मिलेगा, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट देखने को मिलेगा, 5000mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, 18W की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, इन डिस्प्ले कैमरा है और यहां पर सिर्फ इसकी प्राइस है 15,000 रुपए। तो नंबर 1 पे ये स्मार्टफोन, ये भी आप जरूर से ले सकते हो। तो जो भी मैंने स्मार्टफोन बताया सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट जरूर करना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा स्मार्टफोन आप लेना चाहोगे और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो।